एक गीत आप लोगों ने सुना है कौन सा? हाँ थोड़ा बढ़ जाए यार, कुछ गाने मजा नहीं आ रहा। हाँ 100 नंबर चली गई। हाँ आप सो गए सब लोग। हाँ सब लोग सो। हाँ एक गीत आप लोगों ने सुना है जिसमें फिल्म वालों ने कहा कि बुझा दो आग दिल की आग, इसे खुलकर हवा दे। क्या बात है, बहुत से बात है, बहुत से जय हनुमान। जय हो जय हो काले हनुमान। बुझा दो आग दिल की आग, इसे खुलकर हवा दे दो, जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस, तुम्हारे दिल में क्या है बस, हमें इतना कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ए जाने अदा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, कह दो अब ए जाने अदा, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, ये है साफ सुथरा गाँव। ये साउंड भी मन का है बजता नहीं, हम क्या, ये है तो हम क्या करें। हनुमान जी फिर भी चलिए, अब परिस्थितियां हैं ऐसी तो उससे समझौता भरपूर गौरव हमको आपको सबको करना होगा। बिल्कुल, बेचारा छोटू भी क्या करे, कर्पूर गौरव। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी, समझिए पूरी अयोध्या में घर घर में खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन स्वर्ग में देवताओं को चिंता हो गई। देखिए अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही, लेकिन स्वर्ग में देवता लोग चिंतित हो गए, विचार करने लगे कि अगर राम कहीं राजा बन गए तो उनका अवतार लेने का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। और क्या, क्योंकि उनका अवतार राक्षसों के संहार के लिए हुआ है, अहिल्या के उद्धार के लिए हुआ है, तमाम कार्य करने हैं उनको। अगर वो राजा बन जाएंगे तो बन जाने की उनको क्या आवश्यकता रहेगी। तो सभी ने माता सरस्वती का आवाहन किया, उनसे प्रार्थना किया कि देवी आप संसार के कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि राम किसी भी परिस्थिति में राजा न बन पाए। ये माता सरस्वती ने स्वीकार कर दिया,
और मंथरा की जिभ्या पे बैठ गई। कथा को माता सरस्वती जहाँ पे जो चह जाए तो फिर क्या संभव नहीं है। मंथरा ने जैसा समझाया कई कई की समझ में वैसा ही आ गया। मंथरा ने कह दिया अगर राम राजा बन गए महारानी तो तुम्हारा पुत्र तो दास होगा ही, तुम भी दासी हो जाओगी। हाँ तुम भी दासी हो जाओगी। कई कई की समझ में आ गया और वो को भवन में जाके लेट गई। दशरथ जी ने कहा अरे कौशल्या दिखाई पड़ रही है, सुमित्रा दिखाई पड़ रही है, लेकिन कई कई पता नहीं कहाँ गई। ओ ये कोने में लुकी बैठी। पता किया मालूम चला कि वो तो वो भवन में है। तो दशरथ जी पहुंचे महारानी। महारानी आज तो खुशी का दिन है और तुम यहाँ कोने में। यहाँ क्यों? कई कई ने कहा महाराज हमारा आपका कुछ पुराना हिसाब है, आज उसे चिंता करिए। कहा कैसा हिसाब? कहा याद करिए देवासुर संग्राम में आपने मुझे दो वरदान देने को कहे थे, दो मैंने कहा था समय पर मांग लूंगी और आज वो समय आ गया है। मैं चाहती हूँ कि मुझे वो दोनों वरदान दे। दो दशरथ ने कहा महारानी मांग लीजिए। मांगिए पहला वरदान मेरे पुत्र भरत को राज अयोध्या का राजा बना दीजिए। ना चाहते हुए भी दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया। कहा दूसरा वरदान? कैकेयी ने कहा दूसरा वरदान ये दीजिए कि भगवान तुम्हारे पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास। बस ये बात सुन करके दशरथ जी की आत्मा तड़प उठी और गीत यहीं से शुरू होता। देखिए कि वर दे के कैकेयी को दशरथ उदास वर्दे के कैकेयी को दशरथ उदास वर्दे के कैकेयी को दशरथ उदास थे लगते थे थे जिंदा मगर वो जिंदा लाश जिंदा लाश लगते तो थे जिंदा मगर वो जिंदा लाश थे। हो के दुखी दरबार के दरबारी रो रहे बात नगर के नर नारी रो रहे कहते थे कि महारानी के कई को क्या कहते थे कि महारानी के कई ने क्या किया प्राणों से प्यारे राम को वनवास दे दिए प्रभु को वचन पिता के स्वीकार हो गए प्रभु को वचन पिता के स्वीकार हो गए और बच्चा ने तो श्री राम जब तैयार हो गए। लक्ष्मण जी को मालूम चला कि भैया को वनवास मैया ने दे दिया है वो बन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया और जा करके भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे भैया आप बन जा रहे हो वो भी मुझे छोड़कर। लक्ष्मण जी लगे सोचने दुख कैसे सहूंगा लक्ष्मण जी लगे सोचने दुख कैसे सहूंगा और भैया के बिना अवध में मैं कैसे तो जाने लगे मन राम तो दुख सहने लगे तो रो रो के लखन राम से यूं कहने लगे हैं भैया आप अगर मुझको छोड़ के अकेले जाओगे तो जुदाई एक पल की भी बिरन में सहे नहीं पाऊं। क्या बात है
एक पल की भी विरन में सहे नहीं पा, स्वयं ये आप ही जाने मर्यादा कहे नहीं पा। गए वनवास जो तज कर, गए वनवास जो तज कर, तो अकेले रहे नहीं पा। कुछ जमता नहीं हम क्या करूं, सिवा सुख धाम कुछ जमता नहीं हम क्या करें। तुम ही कह दो वीरन मेरे कि अब हम क्या करें। ये दिल तुम तुम ही कह दो वीरन मेरे कि अब हम क्या करें। भैया मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, अर्थात मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण जी भी तैयार होने लगे। माता सीता ने सुना कि हमारे स्वामी और हमारे देवर लक्ष्मण बन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। माता सीता भी आ गई और कहा क्या कि हे स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी भगवान श्री राम ने बहुत समझाया कि सीता वनवास मुझे हुआ है तुम्हें नहीं, लेकिन सीता ने कहा नहीं स्वामी, जहां आप होंगे मेरे लिए वही स्वर्ग है। क्यों जिया बिन देह हो जैसे नदी बिन जैसे वारी। गोस्वामी जी ने चौपाई दिया है जिया बिन देह नदी बिन वारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। क्या बात है। जिया बिन देह हो जैसे नदी बिन जैसे वारी हो, पुरुष बिन नारी है वैसे कृपा मुझ पे तुम्हारी हो। हो जो मछली बिना जल के हो जो मछली दशा वैसी हमारी। दुख सहने की है क्षमता नहीं हम क्या करें। भैया उधर का माइक एक माइक उधर भिजवा दीजिए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरस्कार तीसरी भी पार्टी है कीर्तन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हमारे आदरणीय श्री सतीश वर्मा जी, उनके करकमलों के माध्यम से इस गीत पर 201 मुद्राओं का पुरस्कार प्रदान हो रहा है। मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, भगवान से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ परिस्थितियों वश कमी है, उस कमी के बावजूद भी आप
कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। दो पार्टियों के लिए मैं और ये हमारे परम आदरणीय कार्यक्रम आयोजक श्री राम सिंह नेता जी की ओर से ये 201 रुपए का एक और भारी भरकम पुरस्कार आ गया। हृदय से धन्यवाद देता हूँ हमारे सतीश वर्मा जी के लिए और श्री राम सिंह नेता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे इन पंक्तियों पर जिया बिनते हो जैसे नदी जैसे बारी है, पुरुष बिन नारी है वैसे कृपा मुझ पे तुम्हारी हो। बिना जल के हो जो मछली, बिना जल के हो जो मछली दशा वैसी हमारी हो। सहने की है क्षमता नहीं हम क्या करें, तुम ही कह दो सजन मेरे। पहली पंक्ति में था तुम ही कह दो वीरन मेरे कि हम क्या करें, अब सीधा करें तुम ही कह दो सजन मेरे कि अब हम क्या करें। ये दिल तुम लगता नहीं हम आखिरी जुगड़ा देखिए ये है। सीता जी भी चली गई, भगवान राम लक्ष्मण सीता जय हो। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे परम आदरणीय भैया श्री श्रीपाल जी कश्यप गिरधारी सिंह स्कूल अशरफाबाद लखनऊ, आपके कार्यक्रमों के माध्यम से 101 मुद्राओं का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, प्रार्थना। और हमारे इस दुर्गा मंदिर के पूजनी पुजारी जी की ओर से ये 11 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे आदरणीय भैया की सीताराम जी बाबू अड्डा, आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। और आपने लिखा है ये बाबू प्रसाद जी हेल्थ प्रॉब्लम एंड मनी एंड मनी प्रॉब्लम, आपकी तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये मनी प्रॉब्लम राम लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी वन में चले गए, इधर दशरथ जी व्याकुल हैं और वो देखिए कह क्या रहे हैं। पंक्तियों ध्यान दें आदरणीय निशा जी। विषम 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 का ये प्याला पिता तेरा पिए कैसे, समझिए कल्पना देखें कि तीनों प्राणी वन में हैं, दशरथ जी हे राम हे राम हे राम 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 कह रहे हैं, कह राम राम कह रहे हैं राम। कल्पना करिए विषम विषम का ये प्याला पिता तेरा पिए कैसे, किया है जान का सौदा कर्म हमने किए कैसे, जिया जब पास है तेरे हेरा, अरे जिया जब पास है तेरे तो पिता तेरा पिए कैसे, रहता पेट ये थमता नहीं हम क्या करें, बिरहता पेट ये थमता नहीं हम क्या करें, तुम ही कह दो ललन मेरे कि अब हम क्या करें।
लगता नहीं हम कहे दो बिरन मेरे की हम अब क्या करें, तुम ही कहे दो सजन मेरे की अब हम क्या करें, तुम ही कहे दो अब ए मेरे ललन हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम आप लोग कम संख्या में हैं, लेकिन आप लोगों का उत्साह उसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, बढ़िया शुक्ला जी बहुत अच्छे, निगाहों को झलक दे दे कि छुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के गुले गुलशन का झुलसाना नहीं अच्छा, हमें तुम बिन कोई जचता नहीं हम क्या हमें तुम बिन कोई जचता नहीं हम क्या करें, तुम्ही कह दो अब ऐ जाने वफा हम क्या अच्छा बदला ले रहे हमसे, पता नहीं कौन है जन्म का है लाल दुपट्टा दिल तो कहीं लगता नहीं हम क्या करें, तुम्हें कह दो अब जाने वफा हम क्या करें, लुटे जमता नहीं हम क्या करें, लक्ष्मण ने कहा सीता ने कहा दशरथ ने कहा हमें तुम बिन कोई जचता नहीं हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें,
ऐसा गाना गाने नहीं चाहिए। आइए दादा जी जवाब सुनिए, इधर भी रावण मारीच को भेजता है कि जाओ मारीच, मुझे राम से बदला लेना है, लक्ष्मण से बदला लेना है, तुम सोने का मृग बनकर उस कुटिया के आसपास विचरण करो जिससे मैं सीता का हरण कर सकूं। आखिरकार मारीच ने लाख मना किया कि राजन मुनि मखलाकर गया तुम्हारा बिन फर सर रघुपति कोई मारा, मैं वहां नहीं जाना चाहता, बिल्कुल मैं वहां नहीं जाना चाहता। तो रावण ने कहा अगर नहीं जाओगे तो मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आखिरकार मारीच वहां गया, मारीच गया और जब राम उसकी खाल लेने के लिए गए तो वहां पर उसने अपनी माया रच दी, माया रच दी, हाय राम कहकर चिल्लाता, इधर मां जानकी से रहा नहीं गया, रहा नहीं गया और बोली लक्ष्मण लक्ष्मण जाओ अपने भाई की रक्षा करो, अपने भाई की रक्षा करो। अब वो लक्ष्मण कह रहे हैं, सोच रहे हैं, सुनेगा क्या सोच रहे हैं, इधर माता की आज्ञा है, इधर माता की आज्ञा है, जाओ भाई की रक्षा में, कहा कि जाओ भाई की रक्षा करो। तो उधर लक्ष्मण सोच रहे हैं, उधर भाई की आज्ञा है, रहो सीता सुरक्षा में, हम क्या करें। लक्ष्मण सोच रहे हैं, ये दिल कोई फैसला करता नहीं, हम क्या करें, भाई की आज्ञा का उल्लंघन होता है। अगर माँ की बात नहीं मानता हो तो माँ की आज्ञा का उल्लंघन होता है। आखिर वही बात लक्ष्मण बार बार बड़े मन में सोच रहे, क्या कोई भी देवता बता दे हमें, हम क्या करें, ये दिल कोई फैसला करता पाकर। एक दिन काल प्रभु राम से मिलने आया, मिलने आया तो लक्ष्मण को पहरे पर लगा दिया प्रभु राम ने और बोले राम ए लक्ष्मण जब तक मेरी काल से वार्ता हो तब तक कोई अंदर ना
पाने पाए। और सुनिए सुनाइए, इधर ऋषि बड़े पधारे हैं, इधर ऋषि उधर भाई की आज्ञा है, न आए कोई भी अंदर, श्राप देने को कहते हैं, जाए पूरी अयोध्या जाए। उधर दरवाजा ने कह दिया, अगर मुझे राम से तत्काल न मिलवाया तो मैं पूरी अयोध्या जला दूंगा। ये बात तो लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, उधर भाई की आज्ञा है, न आए कोई भी अंदर, साप देने को कहते हैं, जाए पूरी अयोध्या जाए, दोबारा दोहराए खड़ा है मन, दोहराए हम क्या करें, ये दिल तुम बिन ये दिल कोई फैसला करता नहीं, हम क्या करें, यथाशक्ति प्रयास दादा जी। और ये और आप लोगों की कीर्तन के प्रति